हेलो फ्रेंड्स, मैं मालती सरा। आइए मालती किचन में आप सबका बहुत स्वागत है। आज हम बहुत सिंपल सी रेसिपी बना रहे हैं। आज हम बना रहे हैं खट्टी मीठी बीटरू, जो चुकंदर बोलते हैं जिसे, खाने में बहुत टेस्टी लगती है। आप ऐसा सलाद खा सकते हो उसे। आज आप जैसे वेज रोल बनाते हो, फ्रेंकी बनाते हो, आप उसमें डाल सकते हो। आप जब खाना खाते हो उसमें खा सकते हो। बीटरूट वैसे भी हेल्थ के लिए बहुत हेल्दी है, हीमोग्लोबिन बहुत अच्छा होता है। ऐसे तो बच्चे लोग बीटरूट खाते नहीं है, पर आप ये बना के दोगे तो बच्चे ज़रूर खाएंगे प्यार से। तो चलिए हम इसका प्रिपरेशन करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैं सबसे पहले आधा कप पानी ले रही हूँ। मैं आधा कप पानी डाल दूँगी और पानी में अच्छा बॉयल आने दूँगी पहले। ये देखिए पानी में अच्छा उबाल आ गया है। मैं इसमें 1/3 कप में इसमें शुगर डाल दूँगी। आप तो शुगर की मात्रा अगर आपको कम चाहिए, आप शुगर नहीं खाना चाहते हो, आप अवॉइड कर भी सकते हो। शुगर को अच्छा मेल्ट कर लेंगे हम। हमें शुगर मेल्ट हुए उतनी देर ही इसे बॉईल करना है। हमें इसकी चाशनी नहीं बनानी है, बस तो शुगर मेल्ट हुए तब हमें गैस का फ्लेम बंद कर देने का है। अभी शुगर मेल्ट हुई है, देखिए आप। ये मैं इसमें 1/4 कप व्हाइट विनेगर डाल दूंगी, सिरका जिसे बोलते हैं। मैं फ्लेम बंद कर दिया अभी मैंने। ये मैं इसमें सॉल्ट डाल रही हूँ। ये देखिए आप, मैंने 1/2 टीस्पून सॉल्ट डाला है, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर डाला है मैंने, और 1/2 टीस्पून मैंने चाट मसाला डाला है, और थोड़ा सा इसमें ब्लैक सॉल्ट डालूंगी मैं। इससे टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा। और ये देखिए चुकंदर लिया है मैंने, जो बीटरूट बोलते हैं। मैंने इसे लंबा लंबा ऐसा पतला, एकदम पतला काटा है, देख सकते हो आप। और ये मेरी मिर्ची ली है, हरी मिर्ची। ये बहुत फीकी वाली मिर्ची है, इसमें जरा भी तीखापन नहीं होता है। एकदम लाइट रंग की मिर्ची जो मार्केट में मिलती है, ये मैं दोनों इस पर डाल दूंगी। ये देखिए, और इसमें हम तब तक भिगा के रखेंगे जब तक ये पूरा रूम टेम्परेचर में आ जाए। जब ये रूम टेम्परेचर में पूरा आ जाएगा तो इसे हम एक दिन बाहर रख सकते हैं। पूरा एक दिन इसे बाहर रखिए, फिर फ्रिज में रख के आप खा सकते हो। ये खाने में बहुत टेस्ट लगता है। जब आप ये फ्रेंकी वेज रोल बनाओगे तो इसमें से ये बीट और मिर्ची निकाल के आप उसमें डालिए, बहुत टेस्टी बनेगी आपका रोल वगैरह जो है। ये देखिए हमारा मिनटों में रेडी हो गया। जब इसे ठंडा हो जाएगा हम इसे एयरटाइट कंटेनर में हम भर के रख लेंगे फिर। तो चलिए मिलते हैं आपसे ठंडा होते हैं फिर। इसे हम पंखे की हवा में ठंडा नहीं करेंगे, ये अपने आप रूम टेम्परेचर में आएगा। अगर आपको चाहिए कि आप बीटरूट बहुत क्रंची चाहिए तो ठंडा करने के बाद में आप फ्रिज में रख सकते हो, पर अगर आपको चाहिए कि सॉफ्ट चाहिए थोड़ा सा तो इसे फिर एक दिन बाहर रखिए। मुझे थोड़ा क्रंची पसंद है तो मैं इसे ठंडा करके तुरंत फ्रिज में रख दूंगी। ये देखिए इसे हमने एकदम ठंडा कर लिया है। अभी मैं इसे कांच के जार में भर लूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने खट्टा मीठा चुकंदर बनाया है सलाद। बहुत टेस्टी है, बहुत यम्मी लगता है, और इसमें जो मिर्ची वो बिल्कुल भी तीखी नहीं है। तीखी मिर्ची बिल्कुल मत डालिएगा। आपने तो मिर्ची स्किप भी कर सकते हो, खाली चुकंदर का बनाइए। पहले मैंने आपको कैरेट का ही बताया था। बहुत अच्छा लगता है, बहुत हेल्दी है। कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स में, दोस्तों में, रिलेटिव्स में शेयर कीजिएगा। और अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर कोई अच्छी सी डिश के साथ में। ये बहुत टेस्टी है, कटोरी भर के बच्चे लोग तो ऐसे ही खा लेते हैं। फिर इसकी जो ग्रेवी बचती है इसमें आप फिर चुकंदर डाल दीजिए काट के, फिर बीटरूट डाल दीजिए काट के इसमें, तो आपको बार बार पानी बनाना भी नहीं पड़ेगा। बहुत अच्छा लगता है, मुझे तो उसका पानी भी थोड़ा अच्छा लगता है, मैं तो थोड़ा पानी भी ले लेती हूँ। चलिए बनाइए, हैप्पी कुकिंग। बाय बाय, लव यू, टेक केयर।